देखिए कितने चीज़ी बने हैं, मन हो रहा है ना खाने का। तो इस चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसे बनाना है बहुत ही सिंपल और आप इसे किसी भी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बोरोसिल का क्लिप एंड स्टोर राउंड ग्लास और इसमें हम डालते हैं हाफ कप गर्म पानी और फिर इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। आप यहाँ पर नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। वैसे ये पाउडर शुगर है तो तुरंत ही घुल जाएगा। अगर आप ग्रैनुलेटेड शुगर ले रहे हैं तो इसे पूरा अच्छे से घुल जाने तक ही मिक्स कीजिए। तो चीनी को घोलने के बाद अब इसमें हम डालते हैं इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, ये इस तरीके से दानेदार होता है, और ड्राई ईस्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 8 ग्राम्स ड्राई ईस्ट का यूज़ किया है। स्पून में देखें तो मैंने 1 टेबल स्पून ईस्ट का यूज़ किया है और इसे अच्छे से घोलने के बाद अब ढक देते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पे गर्म पानी ही लेना है, हमें ठंडा पानी नहीं लेना है, नहीं तो ईस्ट प्रूफ नहीं होगा, और 15 मिनट्स के लिए प्रूफ होने के लिए साइड रख देंगे। तो बटर मिक्स बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 50 ग्राम्स बटर और इसे हम मेल्ट कर लेंगे। तो बटर मेल्ट हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं क्रश्ड गार्लिक और गार्लिक डालकर थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। हल्का सा सॉटे करने से गार्लिक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो इसे बटर के साथ हल्का लाइट ब्राउन होने तक सॉटे करना है। बहुत ज़्यादा हमें सॉटे नहीं करना है, तो मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे हल्का सा सॉटे करेंगे। तो ये देखिए गार्लिक हल्के ब्राउन कलर का हो गया है, तो इसे हम और सॉटे नहीं करेंगे। फ्लेम को बंद करते हैं और बंद करने के बाद इसमें हम डालते हैं पार्सले पत्ता। तो यहाँ पर पार्सले पत्ता को मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसे भी बटर के साथ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा गार्लिक बटर रेडी हो गया है और इसे अब हम बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बटर में गार्लिक डाल के कुक किया था और बाकी 50 ग्राम्स बटर मैंने ऐसे ही रखा है, और ये जो कुक किया हुआ गार्लिक ऑयल है, और अब हम इसे बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा गार्लिक बटर रेडी हो गया है। तो 15 मिनट्स हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए ईस्ट कितने अच्छे से प्रूफ हो गया है, काफ़ी फ्रॉदी दिख रहा है। तो इसी तरीके से हमें इसकी प्रूफिंग करनी है। तो अब हम बोरोसिल के मिक्सिंग बोल में डालते हैं 250 ग्राम मैदा। कप में देखें तो मैंने 2 कप्स मैदा लिया है, और अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच नमक, और अब इसमें हम डालते हैं प्रूफ किया हुआ ईस्ट का मिक्सचर और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ईस्ट के मिक्सचर को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लिया, और आप देख रहे हैं कि अभी भी ये डो काफ़ी क्रमली है। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून पानी, तो अप्रॉक्स 60-65 ml पानी जाएगा, और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल स्टिकी डो बना के रेडी करना है। तो अगर पानी कम है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो अब देख लेना ये डो कितना स्टिकी है, और अभी भी हम इसे थोड़ा सा मिक्स करते हैं। तो ये देखिए पानी डालकर बिल्कुल स्टिकी डो बना के रेडी कर लिया है, और अब इसे हम रखते हैं काउंटर टॉप पे और 7 से 8 मिनट तक के लिए नीट करेंगे। हाथों के हील से इस तरीके से हम लगभग 7 से 8 मिनट तक नीट करेंगे। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी जल्दी ही डो नीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ ज़रूर ज़रूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्टली डो नीड हो गया है, 7 से 8 मिनट हो गया है, काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ दिख रहा है डो, तो लेकिन अभी थोड़ा सा स्टिकी है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं 1/8 कप ऑयल। तो अभी मैं पूरा ऑयल नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालकर हम एक बार इसे नीड करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं नीड करना है, सिर्फ ऑयल के साथ इसे कोट ही करना है। जैसे ही ऑयल डालेंगे वैसे ही ये जो डो है काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। तो ये डो को सॉफ्ट होने तक नीट कर लिया, आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट और बाउंसी बना है ये डो, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है। और अब इसे हम प्रूफिंग के लिए रखते हैं। तो अब इस डो को हम रखते हैं बोल में, क्लिंग रैप कर देते हैं और इसे हम 40-45 मिनट्स के लिए प्रूफ होने देंगे। तो ये देखिए डो काफ़ी फूल गया है, इसे मैंने 40 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, और अब हम इस तरीके से पंच करते हैं ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो सभी निकल जाए, और एक बार हल्का सा नीट करेंगे। मैंने यहाँ पे ये मोज़रेला चीज़ लिया जिसे इस तरीके से क्यूब्स में कट किया है, तो छोटे बड़े क्यूब्स आपको जितना फिलिंग में चाहिए उस हिसाब से कट कर सकते हैं। और अब इसे हम साइड रखते हैं और डो को अब हम इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर डो को मैंने इस तरीके से काउंटर टॉप पर रखा है और इसे अब हम इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे, तो लगभग 30-30 ग्राम्स के एक बॉल बनाएंगे। तो टोटल डो से मैंने 19 बॉल्स बना के रेडी किए हैं, और सभी बॉल्स जो है 30 ग्राम्स के हैं।
आप अपने अंदाज के अकॉर्डिंग भी बॉल्स को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर मेजरिंग स्केल है तो आप मेजरिंग स्केल से भी कर सकते हैं। इससे इवन बेकिंग होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हर बॉल्स को 30 ग्राम्स में डिवाइड किया है। और अब इसे हम इस तरीके से स्मूथ कर लेते हैं एक बार हाथ में रोल करके। और अब हमें इसमें फिलिंग करना है चीज़ की, तो इस तरीके से हम करेंगे जिससे कि ये हाथ में स्टिक नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्टली इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। और बीच में अब हम रखते हैं मोज़रेला चीज़, तो हम एक क्यूब रखते हैं मोज़रेला चीज़ का और इसे हम बिल्कुल टाइटली हर साइड से सील कर लेंगे इस तरीके से। एंड्स को अच्छे से स्टिक करना है। अगर रोल करते समय स्टिक हो रहा है आपके हाथ में डो, तो हल्का ऑयल से पाम को ग्रीस कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने एक बॉल बनाया है और सभी ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। तो चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने लिया है बोरोसिल का सर्व ओवल बेकिंग डिश, और इसके बेस को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। और ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब हम बेस में भी बेकिंग पेपर लगा देते हैं, जिससे कि ब्रेड्स बनने के बाद बहुत ही अच्छे से बाहर आ जाएगी, स्टिक नहीं होगी। और टॉप में भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। तो बॉल रखने से पहले हम बीच में ये बोरोसिल की माइक्रोप्रूफ कटोरी रखते हैं और एक एक करके सभी बॉल्स को अरेंज करेंगे। सभी बॉल्स को थोड़े थोड़े गैप पे रखेंगे क्योंकि ये अभी फूलेंगे काफ़ी, तो सभी बॉल्स के बीच में गैप होना चाहिए। तो ये सभी बॉल्स को अरेंज कर दिया है थोड़ी थोड़ी दूर पर। और अब हम सभी के ऊपर लगाते हैं गार्लिक बटर। तो बटर सभी के ऊपर लगा दिया है और अब इसे हम प्रूफिंग के लिए रखते हैं आधे घंटे के लिए, उसके बाद इसे हम बेक करेंगे। तो ये चीज़ गार्लिक बॉल्स प्रूफ हो गए हैं और इसे अब हम बोरोसिल के 48 लीटर ओवन में बेक करेंगे। और अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में मिडिल रैक पर रखते हैं। लोअर रॉड ऑन करके 180 डिग्री पर रखकर 25 टू 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो 20 से 25 मिनट हो गया है, अब हम गार्लिक ब्रेड को ओवन से बाहर निकालते हैं। और ये देखिए बहुत ही परफेक्टली बेक हुई है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और तुरंत ही इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं बटर गार्लिक मिक्स, जिसे मैंने पहले बनाया था। इससे ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। गर्मा गर्म ब्रेड के ऊपर हम इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। और ये जो हमारा सेंटर में जो बोल है वो खाली है, तो सर्विंग के टाइम में हम इसमें भरते हैं बटर गार्लिक मिक्स और इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और बोरोसिल के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उनके बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे मिंस 10 कूपन कोड को यूज़ करके पा सकते हैं 10% डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी रेसिपीज आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।